माफ कर दो जी, माफ कर दो, चलट पड़े गई माँ। इस घर में खाना, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना? ये आपका हाउस है, ये मेरा हाउस नहीं है, और मुझे इस घर में खाना नहीं खाना। हमारा अगर भूख नहीं लगी है तो मत खाओ, ओके? ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे डैडी का घर है, सो प्लीज बिहेव करो। ये आपकी डैडी का घर है, ये मेरे दादा का घर नहीं है। और आप मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो? हमारा आप बहुत छोटे हो ये समझने के लिए, प्लीज। कोई और 6 years का पर्सन मेरे जितना स्मार्ट नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी। सो प्लीज मुझे बताओ, आपने डैडा के साथ फाइट क्यों की? मैं आपकी मॉम हूँ, आपको क्या बताना है क्या नहीं बताना है वो मैं डिसाइड करूंगी, ओके? आपको बताना पड़ेगा मॉम। नो, मैं कोई छोटी बेबी नहीं हूँ, मुझे गोदी नहीं आना मॉम, प्लीज। हमारा बेबी आज आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किसके साथ रहना है, मॉम के साथ या डैडा के साथ। जब तक तू अपने पापा से नहीं मिल लेती तब तक तू अपनी पग नहीं खोलेगी। आज से तू लड़की नहीं, लड़का बन के रहेगी। चल, 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 चल। मॉम, आपको याद है जब मुझे आइसक्रीम फज में सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए थी, आपने बोला था कि मैं चूज नहीं कर सकती, चॉकलेट आइसक्रीम और वनीला दोनों होने चाहिए। मैं, आपको भूख लगी है, खाना तो था ना? नो मॉम, आपने बोला था कि अच्छा फर्ज चाहिए तो दोनों होने चाहिए, मैं भी आप में और डाटा में चूज नहीं कर सकती, मुझे भी दोनों चाहिए। नो बेबी, आपको आपको डिसाइड करना होगा आपको कौन चाहिए, मॉम या डाटा। लवली, एक की के मॉम प्लीज, अमायरा कौन चाहिए आपको, मॉम या डाटा? Ah!
आज तो माता रानी ने तुझे बचा लिया, वो वरना तू तो खुद ही सीताराम और निहालों के सामने आ गई थी। कुल्फी, ये पग, ये कपड़े, ये तेरी ढाल है पुत्र, और जब तक मैं ना कहूं तू अपना भेस नहीं बदलेगी। नहीं मामा, मुझे लड़का नहीं बनना। लड़के तो कंचे खेलते हैं और अपनी जेब में मेढक भी रखते हैं, वो तो गंदे रहते हैं, और मैं तो दिन में दो बार नहाने वाली सुंदर सी लड़की हूँ। मुझे लड़का मत बनाओ मामा। वो तुझे बनना पड़ेगा पुत्र, तेरी मामी ने तेरे खिलाफ पुलिस में रपट लिखाई है। देख पुत्र, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तेरा नाम क्या है, तू कौन है और तू कहां से आई है। तो क्या मुझे दुनिया में सबसे छुपे छुपाई खेलनी होगी? हाँ, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तेरा नाम कुल्फी है, इसलिए मैं आज से तेरा नाम बदल दूंगा। बर्फी, तेरा नाम आज से बर्फी होगा। नहीं, माने मेरे नाम कुल्फी रखा था और मेरा नाम कुल्फी रहेगा। मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी, नहीं बदलूंगी, नहीं बदलूंगी। वो पुत्र जिद नहीं करते। क्या हुआ? उस सीताराम जी? हाँ जी। वो आपने आवाज सुनी? वो कुल्फी की आवाज थी, वो जरूर यही गई। आप इधर देखो। हाँ जी, उसको ढूंढती हूँ। हाँ जी, कहाँ गए? अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं तेरी गल मान लेती, लेकिन इसके बदले तुझे भी मेरी एक गल मानती पड़ेगी। तुझे निम्मो की सौ कुल्फी, तू किसी को नहीं बताएगी कि तेरे गांव का नाम क्या है और तेरी मां का नाम क्या था। मैं मां की सच्ची वाली कसम खाती हूँ। मामा, मुझे तो बाबा का नाम भी नहीं पता, कौन है वो और हम उन्हें मुंबई में कैसे ढूंढेंगे? Thank you, baby. Thank you. Thank you. Come. आपको पता है, आपको अभी एक बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि आप और मैं, we are one team. इस वर्ल्ड में अभी और कोई हमारी टेक केयर नहीं करेगा। और दादा, वो हमारी टेक केयर नहीं करेंगे, उनकी टेक केयर कौन करेगा? बेबी, मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि आपके पापा कभी हमारी टीम में आएंगे या नहीं। इतना जरूर बता सकती हूँ कि मॉम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। I promise. I love you, mom. बस पुत्र, एक बारी मुंबई पहुंच जाए तो तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और एक बारी अगर तेरे पापा ने तुझे अपना लिया, उस तो सवाल बचने ही नहीं है। वो मेरी सियानी दादी, तेरी माँ कहती थी ना कि सब्र का फल कुल्फी की तरह मीठा होता है। बस थोड़ा सा सब्र रख, फिर तू भी बाकी सारे बच्चों की तरह हमेशा अपने पापा के साथ रहेगी। तेरे पापा तुझे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, और जैसे टिड्डा बोली कद्दू स्कूल जाते हैं ना, तू भी स्कूल जाएगी। तेरी नई किताबें आएंगी, तेरी नई वर्दी भी बनेगी, और फिर तू खूब पढ़ लिख कर बहुत बड़ी बन जाएगी। कुल्फी,
मेरी एक गल हमेशा याद रखता, हम पढ़ लिख कर अपने हालात बदल सकते हैं, और अगर तूने मन लगाकर पढ़ा ना तो तू अपनी सारी मुश्किलों को चूरन चटा देगी। कुल्फी, तू इतनी में मैं रास्ते के लिए पानी और कुछ खाने को ले आता हूँ, ठीक है? हाँ? मामा, जल्दी वापस आ जाना। हाँ पुत्र, तू चिंता ना कर, तू इतने ही बैठे रहना और कहीं मत जाना, मैं पानी लेकर यहीं पर आऊंगा। हाँ भी नहीं सकती। नहीं भाई साहब, आज सारा मत दो आप। बहुत सारा दिया आपने मुझे बचपन से लेके आज तक, जब भी मैं लड़खड़ा हूँ आपने हमेशा साथ दिया, आज नहीं। मैंने आप सबका दिल दुखाया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा सिक्के, तूने हम सबको चोट पहुंचाई। मैं नहीं जानता क्यों तूने ये सब किया। तू निम्रत से प्यार करता था ना, तो ये सब क्यों? तेरे लिए ये मकान की कीमत इंसानों से ज्यादा हो गई सिक्के, कब से? जब मेरे को ये समझ में आया कि आप भाभी बेबे आप तीनों मेरे लिए क्या क्या कर रहे हो, कितनी कुर्बानियां दे रहे हो मेरे लिए यार। आपने भी पूरी जिंदगी मेरे लिए दांव पे लगा दी, अपनी पूरी जिंदगी। कुर्बानी देने का मेरा मौका है। अपना प्यार भुला के अगर मैं आप तीनों के लिए खुशियां खरीद सकता हूं तो घाटे का सौदा थोड़ी जाता। को नहीं पता तो उस वक्त ही कि ना तो प्यार बेचा जा सकता है ना खुशियां खरीदी जा सकती हैं। सब कुछ चाहता था, सब कुछ जीतना चाहता था, लेकिन सब कुछ आ गया ना। मैं अच्छा पति बन पाया, अच्छा साथी बन पाया, और आज तो मैंने ये भी साबित कर दिया कि मैं बुरा बेटा हूं, बुरा भाई हूं, बुरा बाप हूं। सिक्के, तू मेरा भाई है, मेरा अपना। दुनिया इधर की उधर हो जाए सिक्के, अपने साथ नहीं छोड़ते कभी। सिक्के, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। मेरा भाई गलतियां जरूर करता है, लेकिन उसको सुधारने के लिए जमीन आसमान एक कर देता। तो क्या अब ये गलती सुधारने की कोशिश नहीं करेगा तू? आपको है भरोसा मुझ पे? खुद से ज्यादा है सिक्के, खुद से ज्यादा। पूरी कोशिश करूंगा भाई साहब, सब ठीक करूंगा मैं।
लवली को वापस लेके आऊंगा मैं, मनाऊंगा उसको मैं, मायरा को वापस लेके आऊंगा मैं। जी अच्छा कोई नहीं है, नहीं हेलो जी चलो आ तो चलो ना आ, चलो मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।